सामने देखिए आप, मिट्टी के तो फूल बनाए। आ जाओ चंद्रपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ऊपरी घाट से हैं। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई कि यहाँ से बारात लेके गए और खाना खिलाया उन्होंने, सब कुछ किया है। उसके बाद जयमाला होता है, जयमाला में लड़की ने जयमाला ठीक से नहीं डाला, उसमें बाद विवाद हो गया, झगड़ा हुआ, उसमें थोड़ा बहुत बातचीत हुई और जयमाला छोड़ के लड़की भाग गई और बारात लौटा दी गई है। थोड़ा कुछ नहीं हुआ, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। क्या लगता है आपको किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? नैंग के लेके, मतलब जो जयमाला में नैंग लिया जाता है ना, उसको लेके झगड़ा हुआ है। उन्होंने 5,000 मांगे थे, जो इनके पिताजी हैं उन्होंने पहले 551 रुपये दिए, लड़की ने फेंक दिए, ठीक है। फिर इनके पापा ने 1,051 कर दिए, फिर लड़की ने फेंक दिए। फिर उसके बाद लड़के को थोड़ा अलग है, मतलब ये बेइज्जती सी समझ में आई, तो लड़की ने इतना कहा कि पापा 5,000 दे दो, ठीक है। तो इसी बात पे विवाद हो गया, धीरे 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 करके विवाद हो गया। फिर पुलिस बुलाई, पुलिस ने भी कोई मतलब सुनवाई नहीं की, वहाँ कोई सुनवाई नहीं की है। और चढ़ा भी चढ़वा लिया, जेवर भी सब रख लिया और इधर सारा सामान भी पड़ा है और बारात को मारपीट के धक्का 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 धुक्की करके लड़का बच्चों को भी, जो लेडीज थी उन्हें भी भगा दिया वहाँ से। क्योंकि क्या कहना है लड़की वालों का? लड़की वालों को ये कहना है कि लड़का शराब पीता है और ये रिश्ता 3 साल से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि आज से, 3 साल से जुड़ा हुआ रिश्ता है, मिलते जुलते रहे हैं। एक बार लड़की और लड़का दोनों भाग गए थे, उसके बाद ये शादी तय हुई है, दोनों की मर्जी से तय हुई थी शादी।